हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट बेटा विद द इलिप्स। हम स्टार्ट करने लगे हैं, ओके, रिवीजन करने लगे हैं इलिप्स की। बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस हमें इलिप्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि दो टाइप के हमारे पास इलिप्स हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल इलिप्स, ओके बेटा। और फिर मैंने आपको बताया था मैं इलिप्स की दोनों इक्वेशन एक जैसे ही लेके चलती हूँ। सिर्फ मैं ये बताती हूँ कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो किसमें क्या होता है। अगर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब एक्स के नीचे वाली क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू बी, तो बेटा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है मेरे पास, ओके। और अगर मेरे पास जो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, यहाँ ए लेस देन बी होता है, तो बेटा 100% मेरे पास वर्टिकल एलिप्स होता है, ओके। अब वर्टिकल एलिप्स में मेरे पास हो गए फिगर ऐसी बनती, ओके। अब मेरे पास जो है फोकस के कोऑर्डिनेट, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, असेंट्रिसिटी जो है इन केस ऑफ एलिप्स इट इज ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ मेरे पास जो है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। इन केस ऑफ वर्टिकल इट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर, बस असेंट्रिसिटी, एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन वन इन केस ऑफ एलिप्स, ठीक है। सबसे पहला काम होता है असेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना। असेंट्रिसिटी आ गई तो अब हमें जो है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो है, वर्टेक्स क्या होते हैं मेरे पास, ये वाले है, ये कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये ए कॉमा जीरो, ये माइनस ए कॉमा जीरो, ओके। फिर मैंने क्या ढूंढना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर ऑफ एलिप्स, ओरिजिन, इस केस में भी ओरिजिन, इस केस में क्योंकि जो वर्टेक्स होता है ना वो हमेशा जो है मेजर, मतलब जिस तरफ लेंथ जाता है उस तरफ होता है, तो इस केस में मेरे पास वो हो जाएगा 0, b और 0, -b, दोनों के साथ साथ चलेगा। अब हमने क्या लिखना है बेटा, असेंट्रिसिटी, यहाँ पर असेंट्रिसिटी ए सॉरी फोकस ae, 0, यहाँ -ae, 0, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, फोकस के कोऑर्डिनेट 0, be और 0, -b, ओके बेटा, क्लियर। अब हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब इसकी लेंथ, ऑब्वियस है ए इधर है ए इधर है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया, 2a। माइनर एक्सिस मतलब ये लेंथ, ये क्या हो गया, 2b, ओके बेटा, ये 2a, ये 2b, इसमें उल्टा, ये माइनर के और ये 2b मेजर के, ओके बेटा। नाउ अब हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस यहाँ एक्स एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू जीरो, माइनर एक्सिस की x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ मेजर x इज इक्वल टू जीरो, माइनर y इक्वल टू जीरो, ओके बेटा। नाउ मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e, डायरेक्ट्रिक्स देखो एक इधर होगी और एक मेरे पास इधर होगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी, तो यहां पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई e, ऐसे करो,
ओके बेटा, सेंट्रिसिटी बता दी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है मेरे पास, ऑब्वियस है ये लेंथ दोनों में बराबर होगी क्योंकि सिमेट्रिकल होता है ना, तो वो वैल्यू कितनी होगी मेरे पास यहाँ पर 2b² / a, इधर 2a² / b, उल्टा होना, एक ही जगह बी बी, बस और कुछ भी नहीं मेरे पास। बात समझ आई सबको? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं क्लियर है यू कैन आस्क मी, हम तभी क्वेश्चंस करेंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। असेंट्रिसिटी मैंने बता दिया, इक्वेशन ऑफ मैंने डायरेक्ट्रिक्स बता दी, सबको बात समझ आ गई बेटा? हमने सारा रिकॉल किया, ओके। आर्यमन क्लियर? आशीष, आर्यमन दोनों को क्लियर है बेटा? ओके गुड, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस, क्योंकि ये टेबल आता होगा तो आपको सब कुछ आता है, ठीक है, तभी आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये टेबल ही, तीन टेबल ही तो है, एलिप्स और हाइपरबोला के टेबल सेम है, बस इक्वेशंस डिफरेंट है। तो मेन तो फिर दो ही टेबल हुए, एक पैराबोला का एक एलिप्स का, तो अपने आप लर्न हो जाते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर वही दो टाइप के क्वेश्चन है, पहला हमें इक्वेशन दी है हमने सब कुछ निकालना है, दूसरा हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है हमने इक्वेशन निकालना, ठीक है जी। तो पहला देखते हैं, उन्होंने कहा फॉर फॉलोइंग एलिप्स फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस वर्टिसेस एंड एसेंट्रिसिटी, और मुझे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 16x² + 25y² = 400, ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसका सब कुछ निकालना है। तो पहला काम है इलिप्स के केस में कांस्टेंट टर्म को वन बनाओ, सबसे पहला कांस्टेंट टर्म वन बनाने के लिए 400 से मैं डिवाइड करूंगी बेटा, ओके। जब मैंने 400 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो है क्या आया, 400 का 400 का, देन 25 का x² / 25, और यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा 16, ठीक है, y² / 16 = 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। किस फॉर्म में, x² / a² + y² / b² = 1, a = 5 b = 4, बस ए भी निकालना हमारा काम है, तो ए भी निकल गया तो यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग। अब सबसे पहले क्या करेंगे, असेंट्रिसिटी निकाल ले ताकि वेरीफाई हो जाए जो हमने किया वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। तो असेंट्रिसिटी, अच्छा सबसे पहले क्लियर कट, ए इज ग्रेटर देन बी, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ओके अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है मेरे पास तो असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मेरे पास अंडर रूट जो है a² - b² / a², दैट इज 25 - 16 / मेरे पास 25, दैट इज जो है 9/25, 3/5 लेस देन 1, आया ना अपने आप देखिए लेस देन 1, जो हमने कैलकुलेट किया वो बिल्कुल सही है। असेंट्रिसिटी डन, अब क्या करेंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट, हाँ जी फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मेरे पास, +-a e, 0 है ना, तो वैल्यू पुट करो +-a, a कितनी थी 5, e की वैल्यू 3/5, 0, तो दैट मींस +-3, 0 फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए, है ना। इक्वेशन ऑफ जो है मेजर एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस होगा तो y = 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x = 0, और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा मेरे पास जो है x = हमने किया था ना
चेक कर लिया करो, वाई एक्सिस की पैरेलल है ना। अब वाई एक्सिस की पैरेलल गए तो मेरे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज प्लस माइनस ए बाई ई, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव बाय थ्री बाय फाइव, वो फाइव ऊपर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 बाय थ्री। समझ आई बेटा बात, सब कुछ तो हो गया, रह गया कुछ? ओके बेटा, चलो अब एक क्वेश्चन देती हूँ, आप इवेल्युएट कीजिए, सब कुछ निकालना है, फिर हम शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला कर, ठीक है? लेट अस डू वन क्वेश्चन, आई विल राइट द क्वेश्चन, ये आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आता है। लेट अस डू दिस, 3x² प्लस 2y² इक्वल टू 6, जल्दी जल्दी हरी अप, ए बी जल्दी मुझे कैलकुलेट करके बताए, आई एम गिविंग यू द टाइम, यू कैन सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर, जल्दी। यस रिद्धि बेटा, टेल मी द वैल्यू ऑफ ए। यस मैम, ए इज अंडर रूट 2 एंड बी इज अंडर रूट 3। ओके, आपने कहा कि ए की वैल्यू जो है वो रूट 2 है और बी की वैल्यू रूट 3 है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। नाउ असेंट्रिसिटी किसने कैलकुलेट की है? आर्यमन, आर्यमन असेंट्रिसिटी, आर्यमन अनम्यूट योरसेल्फ। नवकिरत जी मैम। हाँ जी बेटा बताइए। आर्यमन जतिन अनम्यूट योरसेल्फ। जतिन अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा, हाँ जी, हु इज एबल टू टेल मी? जतिन अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दी हुई है। चलिए नेक्स्ट कौन बता सकता है? हरी आप, एनी अदर चाइल्ड हु हैज डन द नेक्स्ट स्टेप, जल्दी जल्दी। हाँ जी, किसी ने किया हुआ? यशिका, यशिका बेटा एसेंट्रिसिटी बताइए। अनम्यूट योर सेल्फ यशिका और टेल मी द एसेंट्रिसिटी। मैम, 0, 0 प्लस माइनस अंडर रूट 3। बिल्कुल बेटा, 0, प्लस माइनस रूट 3 इज आवर वर्टेक्स, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कौन बताएगा? लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, हाँ जी बेटा रिद्धि बताइए। असीस अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। असीस बेटा। यस मैम। बताइए बेटा मुझे, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितना होगा? 2√3। 2√3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा माइनर एक्सिस, अर्शदीप माइनर एक्सिस बेटा। मैम 2√2। बिल्कुल 2√2 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सबको बात पता चल गई कि क्या क्या वैल्यूज हो गई। ठीक है, ये था सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमें सिंपल इक्वेशन दिया, हमने ए बी निकाला और जस्ट फॉर्मूलेज लगाए। ठीक है, अब हम करेंगे शिफ्टिंग वाला। ओके, लेट अस सी दैट।
हाँ जी, अब मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहा है फाइंड एवरीथिंग, जो भी आप निकाल सकते हो, फोकस, वर्टेक्स, एसेंट्रिसिटी, सब कुछ, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, मुझे देखते ही पता चल गया कि ये 100% एलिप्स है। होने को एलिप्स भी हो सकता था, हाइपरबोला भी हो सकता था, बट अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के साइंस सेम हो, या दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, और दोनों प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट है, वाई स्क्वायर भी प्रेजेंट है, तो 100% वो इलिप्स ही होता है। तो मुझे पता चल गया ये इलिप्स है। ठीक है, अब इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म, वाई स्क्वायर के साथ वाई वाली टर्म, है ही नहीं वाई स्क्वायर के साथ वाई वाली टर्म, को ऐसे ही छोड़ दो, कोई वक्त नहीं। अब क्या करते हैं, हाफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, हाफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसका हाफ किया तो कितना है, वन, वन का स्क्वायर ऐड किया और वन का दूसरी तरफ ऐड कर दो। ओके, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब इस फोर को मैं ऐसे वन बाय टू लिख सकती हूँ का स्क्वायर, और नीचे वन, इट इज वन। अब ये देखो खुद, ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ऐसी फॉर्म है। ओके जी, तो यहां पर मेरे पास ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू वन बाय टू, क्लियर कट, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये है तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही है। देखो हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही है, बट इसका ओरिजिन सेंटर ओरिजिन नहीं है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन नहीं है, ये शिफ्ट हुआ हुआ है। ओके, बाय पुटिंग कैपिटल एक्स विद एक्स माइनस वन एंड कैपिटल वाई विद वाई, इसमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ ये शिफ्ट। ओके, तो अब इसको कैसे करना है, हमने तो ओल्ड की क्वांटिटी, फिर वही अगर आपको याद हो बिल्कुल एज इट इज टेबल, यहाँ क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सिस, जिसमें ओरिजिन कहाँ शिफ्ट कर दिया, 1,0, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ओल्ड एक्सिस। ओके बेटा, फर्स्ट सबसे पहले क्या निकालें, एसेंट्रिसिटी निकालें, ई एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, एसेंट्रिसिटी चेंज नहीं होती, वो क्वांटिटी है, वो रेशियो है, ठीक है, वो कोई चेंज नहीं होगी, मैंने कल भी ये बात बताई थी, इक्वेशन चेंज होती है या कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई, मेजर एक्सिस की लेंथ होगी, माइनर एक्सिस की लेंथ होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, तो अब मेरे पास जो है यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर वन माइनस वन बाय फोर ओवर वन, जब मैंने किया तो फोर माइनस वन रूट थ्री बाय टू। ओके, क्लियर बेटा, तो ये ओल्ड के अकॉर्डिंगली भी रूट थ्री बाय टू ही रहना, चेंज क्या होना है मैं आगे बताता हूँ। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, ठीक है, अब मैं यहां लिखूंगी तो प्लस माइनस ए कितना है वन, ई कितना है रूट थ्री बाय टू, ओके कॉमा जीरो, तो ये प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू जीरो हुआ ना। अब इसके दो चीजें बनेंगे मेरे पास, एक बार प्लस एक बार माइनस, मैं यहां करने लगी हूं, नीचे स्पेस नहीं है तो आई एम डूइंग इट। अब देखो कैसे, मैं यहां पर लिखूंगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू और वाई इक्वल टू जीरो। अब जैसे ही मैंने एक्स कैपिटल एक्स को पुट करना है एक्स माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू, तो वो न्यू के अकॉर्डिंग भी बन जो है ओल्ड के अकॉर्डिंग भी बन गया, तो वाई की जगह तो वाई रहने देना, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री बाय टू प्लस वन। अब एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए ऐसे कॉमा जीरो। बात समझ आई सबको बेटा? आपकी मर्जी, आप अलग अलग करके कर दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि रूट थ्री वाली क्वांटिटी ऐड ही नहीं होनी, तो मैंने कंबाइन करके लिख ली। अगर यहाँ कहीं वन बाय टू होता तो मेरे को फिर प्लस वाला अलग इवेल्युएट करना पड़ता, माइनस वाला अलग, क्योंकि वो इरेशनल है, वो रैशनल है, वो एज इट इज ही नंबर जाने। बात समझ आई बेटा सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक किसी को? इफ एनी प्रॉब्लम रेज योर हैंड एंड आस्क मी। सबको क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब मेरे पास ये फोकस आ गया, अब क्या करना है और क्या निकाल सकते हैं? फोकस आ गया, वर्टिसेस निकालना। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मेरे पास? यहाँ पर जो है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, प्लस माइनस ए वन ही था ना, कॉमा जीरो। अब वही वही कैपिटल एक्स मेरे पास प्लस माइनस वन है, कैपिटल वाई जीरो है। अब कैपिटल एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करो ना, एक्स माइनस वन इज प्लस माइनस वन, और कैपिटल वाई वो तो स्मॉल वाई है। अब मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, एक्स माइनस वन इज वन तो एक्स की वैल्यू टू, और एक्स माइनस वन इज माइनस वन तो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो। तो अब मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा, टू कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो। बात समझ आई बेटा सबको? क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं, बस ये चेंज करना हमें आना चाहिए। वी कैन कैलकुलेट एनीथिंग, ठीक है ना। चलिए अब ये तो क्वेश्चन था ना कि जिसमें सब कुछ दिया हुआ था हमें और हमने वो उसे इंफॉर्मेशन सारी ए बी निकाला और सारा कुछ हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो इसको स्टैंडर्ड बस इक्वेशन मेरे को बना के दिखा दो कि आपको ट्रांसफर करनी आती है कि नहीं, तो आगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। लेट इस डू एक्स स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्सटीन वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाइए, ये कौन सा इलिप्स है? मैंने तो देखते ही बता दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक जैसे ही है, और दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म्स आर प्रेजेंट हियर। तो मैंने आपको बता दिया दिस इज अ एलिप्स, बट जरा ट्रांसफर करके दिखाओ इसको प्रॉपरली, जल्दी जल्दी। कैसा पैराबोला है इसका, सॉरी एलिप्स कैसा है ये बताइए जल्दी। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म, वाई स्क्वायर के साथ वाई वाली टर्म कंबाइन कीजिए एंड गेट योर रिजल्ट। कौन बताएगा? युवराज, विद्धि? हाँ जी बेटा अनम्यूट करो युवराज। विद्धि, हाँ जी युवराज अनम्यूट कीजिए पहले करके, दो मिनट बाद तो किया करो। यस मैम। हाँ जी बताइए बेटा क्या कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप क्या है युवराज? How to change in standard form? हम पहले x के वेरिएबल्स को इकट्ठे करेंगे। ओके। और y इकट्ठे करेंगे। हाँ जी कर लिया मैंने, फिर who is able to tell me? चलिए दिव्यांशी, हाँ जी बोलिए बेटा। मैम इसके बाद हम y स्क्वायर वाली टर्म्स में से 4 कॉमन ले लेंगे तो वो बनेगा y स्क्वायर प्लस 4y। ओके जी। मैम फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड लगा के इसके होल स्क्वायर्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, y स्क्वायर से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4y किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर की यहां पर बताइए क्या ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे दिव्यांश? प्लस ऐड, बार ऐड होगा और माइनस होगा। ओके जी,
वन ऐड कर देते हैं, हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट उधर ही ले जाते हैं, ठीक है। और मैंने इधर भी ऐड कर दिया। अब क्या कर रहे हैं दिव्यांशी? मैम उसमें फोर वाई जो हमने सेकेंड टर्म है वाई स्क्वायर वाली, उसमें ऐड करेंगे टू एंड सबट्रैक्ट करेंगे टू। यहाँ गलती करते हैं, देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y 4 है, 4 का हाफ किया, 2 का स्क्वायर किया 4, मैंने यहाँ 4 ऐड किया अंदर, बट बाहर भी 4 था, तो देखा जाए 4 था 16। ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, 16 बेसिकली मैंने इधर ऐड किया तो 16 इधर भी ऐड करूंगी बेटा, ओके। तो यहाँ क्लियर कट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर 4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर मेरे पास बचा 14। क्लियर बेटा? अब चेक कर लेना 14 बच रहा है क्या, कोई गड़बड़ी तो नहीं हम कर रहे। लेट अस सी 16 17, मैंने स्टेटमेंट गलत लिखी है, यहाँ 13 है बेटा, 13 13 13, ओके। तो ये 17 में से 13 गया 4, ओके। प्लीज करेक्ट द स्टेटमेंट। यस रिद्धि बेटा, यस रिद्धि। मैम अगर हम 4 कॉमन ना लें तो हम कैसे करेंगे, मतलब अगर वैसे तो कोशिश करा करो, मैं सब बच्चों को यही कहती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वाई जो है वो इट शुड बी 1, वाई स्क्वायर, उसको 1 बनाना ही होता है। अगर आप नहीं भी लेते तो, क्योंकि फिर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड ही है ना कि कोफिशिएंट 1 बनाओ, नहीं तो आपको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। कैसे, आपने लिया ए स्क्वायर, ठीक है, 2 अलग कर दिया, 2y अलग कर दिया, ये 4 हो गया, 16 में से 4 अलग फैक्टर बन गया, 4 ही रह गया, तो दैट मींस कि मुझे यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर चाहिए, यानी बेसिकली 4, फिर 4 इधर ऐड किया, 4 इधर सब्ट्रैक्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली चलना, वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है करना, ठीक है। ये इजी रहता है और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस गलत जो है कम हो जाते, ओके रिद्धि। क्लियर बेटा? चलिए तो अब बेटा 4 से डिवाइड कर दे तो x प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे 1 ही आ जाएगा और 1। देखिए अब a स्क्वायर मेरे पास जो है 4 है, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक बेटा किसी की? अब तो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं बेटा? कैलकुलेट कीजिए जल्दी, एसेंट्रिसिटी सबसे पहले बताइए, किसने एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर ली जल्दी जल्दी, व्हाट विल बी द एसेंट्रिसिटी? अरे मन अनम्यूट करके अपने आप को, हैंड रेज करके, मैम आई हैव डन, आंसर बताया करो। चलिए रिद्धि अनम्यूट कीजिए। मैम एसेंट्रिसिटी अंडर रूट 3/2। एसेंट्रिसिटी जो है, लेट मी चेक, दैट इज यस रूट 3/2, बिल्कुल ठीक है। यस नेक्स्ट दिव्यांशी जो है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, पूरा आंसर बताना है। मैम 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी, कर लो बेटा, कर लीजिए। मैम प्लस माइनस रूट 3.0। नो नो नो, आपने प्लस माइनस रूट 3.0 न्यू के अकॉर्डिंगली बताए, ओल्ड के अकॉर्डिंगली तो बताए नहीं, शिफ्ट भी तो मैम वो भी कर रही हूँ ना, वो 1 उधर जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा, तो 1 प्लस माइनस रूट 3.-1, ठीक है, क्लियर सबको बेटा, क्लियर टू एवरीवन?
ऐसे ही हम बाकी पार्ट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक रिवीजन एलिप्स। एलिप्स का हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ, टुमारो वी विल डू हाइपरबोला एंड सर्कल, ठीक है। गेट रेडी विद दैट, ठीक है, क्लियर। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।